तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एपी ब्रदर में। और आज हम लेके आए हैं रानी सिसोदिया का बाग, और ये है जयपुर में। और आपको दिखाने वाले इस वीडियो में जो पुराने ज़माने में जो बाग हुआ करते थे राजा रानियों के, उस ज़माने के हम आपको बाग दिखाएंगे। और ये बहुत ही फेमस है, यहाँ प्री वेडिंग शूट वगैरह भी किया जाता है। तो आपको पूरा अंदर से बाग का अंदर का नज़ारा दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए लेके चलते हैं आपको अंदर की तरफ। तो हम आ गए हैं रानी सिसोदिया का बाग, और इसकी जो एंट्री फीस है वो 50 रुपये पर पर्सन है। और अगर आपको आना हो तो 50 रुपये का टिकट खरीद लीजिए। और इसमें आप देख सकते हैं अंदर, अगर आपको प्री वेडिंग शूट कराना हो तो इसमें आप आ सकते हैं। और आजकल ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो यहाँ आप अंदर आपको काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ पे क्या है, फिल्म वगैरह की भी शूटिंग हो चुकी है काफ़ी मूवीज़ की, और वेब सीरीज़ वगैरह की शूटिंग हुई है यहाँ पे। जो चारों तरफ देख सकते हैं पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और काफ़ी नेचर से जुड़ा हुआ है ये बाग। और यहाँ पे पहले काफ़ी शादियाँ भी होती थी, लेकिन हेरिटेज की वजह से इसको शादियाँ वगैरह जो हैं बंद कर दी गई हैं। तो उस ज़माने की आप पेंटिंग वगैरह देख सकते हैं वॉल पे, जो उस समय की जाती थी। और आपका कलर इसका उभर के है, और जो मार्बल के अंदर कटिंग की हुई है डिज़ाइन, जो पैटर्न बना रखा है वो देख सकते हैं आप। तो ये जो पैटर्न है दरवाज़ों के ऊपर बना रखा है, आप दरवाजे देख सकते हैं हेरिटेज लुक में दिए गए, जो राजस्थान की संस्कृति और कला को दर्शाते हैं। तो आप बाग में अंदर देख सकते हैं अलग अलग टाइप के झरोखे बना रखे हैं जगह जगह, तो उसमें आप हेरिटेज का आनंद ले सकते हैं। जो हेरिटेज लोग होता है तो उसमें आप काफ़ी कुछ अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो राजस्थान की अलग अलग झलकियाँ होती हैं उनको आप देख सकते हैं झरोखे के अंदर, जो आर्ट बना रखी है चारों तरफ। तो आप बाग के बीच सेंट्रलाइज जो फाउंटेन है वो देख सकते हैं, और चारों तरफ जो है बाग को 4 डिवीज़न में डिवाइड किया है। तो आप देख सकते हैं जयपुर में रानी सिसोदिया का बाग, जो राजा महाराजाओं के टाइम से संजोग के रखा हुआ है और उसी तरीके से पूरा मैनेज किया हुआ है आज भी। आज इसको टूरिस्ट पैलेस में तब्दील कर दिया गया है, और इसको संजोए रखने के लिए यहाँ पे शादियाँ वगैरह भी बंद कर दी गई हैं। पहाड़ी पे देख सकते हैं चूलगिरी, जो कि जैन टेम्पल है। और रानी सिसोदिया बाग के अंदर आप देखेंगे पुराने ज़माने की बावड़ी, जो चारों तरफ से जाली से कवर की हुई है सेफ्टी पर्पज़ से। और उस ज़माने के पत्थर की जालियाँ आप देख सकते हैं, और हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति भी आप देख सकते हैं, जो काफ़ी साल पुरानी है। और सेंटर में बनाए गए हैं फाउंटेन। तो बाग के अंदर जगह जगह आप फाउंटेन देख सकते हैं, हर जगह आपको फाउंटेन और झरोखे देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो हमारे वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, और आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और देखते रहिए हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारा चैनल है एपी ब्रदर। और देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।